हेलो एवरीवन। सो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं थ्योरी के नोट्स दूंगा, तो सो दैट आज कुछ डिफिकल्टीज आई थी टेक्निकल रीजन की वजह से, मैं आपको नोट्स जल्दी नहीं दे पाया। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है एक तरीके से कि यार बच्चों का एग्ज़ाम था, मुझे पहले दे देता तो बेटर और हो सकता था। फिर भी आप देख रहे हैं जैसे कि 12 बज रहे हैं रात के, जैसे ही नेट आया सबसे पहले मेरे पास व्हाइट बोर्ड मैंने छोड़ा, मैंने कोई और तरीका निकाला जिससे आपकी क्विकली थ्योरी रिवाइज हो पाए। हो सकता है कि इस थ्योरी को काफी सारे पार्ट्स में मुझे तोड़ के आपको अपलोड करना पड़े, रॉ कंटेंट होगा विदाउट एडिटिंग, लेकिन हाँ समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा आप सारी चीजों को और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें बताई जाएगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट क्या क्या है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरी लेके चलूंगा। फर्स्ट आपका आता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सुनिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है कि सबसे पहले और सबसे मेन मैं यहाँ पे काम करता हूँ हाईलाइटर, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सारी बातों को रिकॉर्ड करते हैं, हम कॉस्ट को जो है डिफरेंट नहीं करते। ऐसा जैसे कॉस्ट शीट अपन ने किया होगा तो कॉस्ट शीट में हर एक एलिमेंट को डिफाइन किया, प्राइम कॉस्ट, वेजेस इसमें जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खर्चा है तो खर्चे को पीएनएल के डेबिट में डाल देते हैं, उसे क्लासिफाई नहीं करते कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या फिर किससे रिलेटेड है, सिंपली डाल देते हैं। तो लिमिटेशन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है सर। लिमिटेशन में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट गिव क्लासिफिकेशन कॉस्ट फिगर और डिफरेंट। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। कहता है कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है डज नॉट इफेक्ट द क्लासिफिकेशन कॉस्ट फिगर और डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब इसमें डिपार्टमेंट नहीं है ना, आपको अगर सैलरी दिया है तो 2 लाख रुपए का सैलरी दे दिया, अब भाई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का है कि सर्विस डिपार्टमेंट का ये नहीं बताता। आगे क्या कहता है सर, कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉट प्रोवाइड एडुकेट। एडुकेट का मतलब क्या होगा, प्रॉपर कॉस्ट फिगर, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और इस तरीके का जो फिक्स कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल, ये नहीं बताता, ये सिंपल बताता है ये खर्चा हो गया। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही सारी चीजें हैं। इट डज डिस्क्लोज एनी रीजन फॉर एनी आपका वेरिएशन। कहता है कि ये कोई भी वेरिएशन होता है तो उसका भी यहाँ पे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कहीं आपने अभी तक पीएनएल किया होगा, पीएनएल में कहीं पता चला कि इतना वेरिएशन हुआ, पहले वेजेस अब था, अब वेजेस ये है, तो नहीं नहीं पता चल पाता हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो वही बातें बताई गई। इट डज नॉट प्रोवाइड, आगे क्या कहता है, इट डज नॉट प्रोवाइड कॉस्ट ऑफ मटीरियल, मतलब मटीरियल का क्या कॉस्ट है उससे मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट लिख देगा आपका पूरा। तो सिंपली मैं अगर सिंपल वर्ड में देखो, आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, क्विकली रिवाइज करने के लिए थ्योरी आए, तो सिंपल सी बात है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटेल सारे चीजों को नहीं बताता जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हर एक चीजों को डिटेल बताता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जो कि दिखाए जाते हैं और जो कॉस्ट में नहीं दिखाते, तो एक डिसएडवांटेज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को सेपरेट करते हैं, बस आपने इतना लिखना है। देखिए 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में से 8 पॉइंट आराम से याद हो सकते हैं आपको, और मैं सारे पॉइंट्स को नहीं पढ़ रहा क्योंकि आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, मेन मेन क्रक्स बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है। 10वें पॉइंट में देख लेते हैं, जैसे कि एक्सपेंस आर नॉट क्लासिफाइड इन टू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट आइटम, नहीं करते हम, तो वो सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा। एक बार फिर से फटाफट मेरे साथ सुनिए और मेरे साथ बोलिए कि जो लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ये कॉस्ट को क्या करता है, कॉस्ट को अच्छे से क्लासिफाई नहीं करता है, और ये ना ही हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अच्छे से दिखाता है, वेरिएबल ओवरहेड को नहीं दिखाता अच्छे से। तो यही सारी चीजें क्या है, लिमिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कहूंगा आपको, मैं 2 बार हाईलाइट कर देता हूँ इसको, 2-3 बार आप इसे जरूर करके जाएं। सर रेगुलर के पेपर में क्या आया था, अभी पहले हम एक बार थ्योरी करें, फटाफट रेगुलर के पेपर की भी थ्योरी सारी देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है जी 3, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम है, जो इम्पोर्टेंट है वही आपके, मैंने नोट्स अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे भी और साथ के साथ मैंने अपलोड कर दिया है एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए भी पीडीएफ फॉर्मेट में। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं सर,
अगले क्वेश्चन में कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अननेसेसरी। बोला गया कि यार कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो ना तो तुम ये ना जो जरा है फालतू की बातें, ये क्यों फालतू में पैसा खर्च करते हो, नए अकाउंटेंट बुलाओगे, कॉस्ट शीट बनाएगा, पीएनएल से भी तो प्रॉफिट आ रहा है, तो ये बोला गया। और बोला गया ये एक्सपेंसिव है ये भी बताइए, और ये लग्जरी है ये भी बताइए, एंड हैंस नॉट नीडेड, और इसकी जरूरत नहीं पड़ती ये भी बताइए आप, क्या ऐसा सही है, कमेंट करिए। तो पहली बात, हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अननेसेसरी है, बेकार है, लेकिन ये गलत है। कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरत पड़ती है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको हर चीज की, क्योंकि पता है क्या, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ने से अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी भी ज्यादा होगी ना तो कस्टमर डिनाई कर देता है। आप सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते हो, अगर एक सामान आपको 1000 का बिक रहा है, एक 999 का बिक रहा है, तो पता है आप कौन सा खरीदोगे, 999 वाला खरीदोगे फटाफट फटाफट। 1 रुपए के पीछे कस्टमर ना दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो क्या लिखता है, सम पीपल फील कॉस्ट अकाउंटिंग इज, क्या कहता है कि सम पीपल फील कॉस्ट अकाउंटिंग इज अननेसेसरी, कुछ लोगों को लगता है, बिकॉज डुप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग। वो कहते हैं कि भाई दो दो बार कर रहे हो, फाइनेंस भी कर रहे हो, इसको भी कर रहे हो, क्यों अपने माथा पच्ची करते हो इतना। इट इज आर्ग्यूड दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड डिटेल ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और बोलता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन बढ़ता है, देयर इज नो नीड टू मेंटेन कॉस्ट अकाउंटिंग। वो बोलता है कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, फालतू की बातें, कुछ लोग ऐसे हैं, बट सच अ आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ इग्नोरेंस अबाउट द यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है, ये अकाउंट कॉस्ट अकाउंट को बस छोड़ना चाहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मीट लीगल नेसेसरी प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ये लीगली बनाना पड़ता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बनाओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स के लिए बनाना पड़ेगा आपको, ऑडिट के लिए करवाना पड़ता है, ये सारी चीजें बातें बताई गई है। आगे कंक्लूजन में चलते हैं सर, कॉस्ट अकाउंटिंग अननेसेसरी टू प्रोवाइड डिटेल कॉस्ट अकाउंटिंग इज नेसेसरी टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, भी नेसेसरी है डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, और सर यूनिट कॉस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए भी है। मैनेजमेंट सो दैट बिजनेस कैन बी रन एफिशिएंटली, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपका बिजनेस रन करेगा, तो सारे मिला के बातें आपको वही लिखना है। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग एक एक्सपेंसिव है, तो जी हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव है, इसमें एक्सपेंसिव क्योंकि छोटे लोग नहीं रख पाते, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे सीएमए का कोर्स सुना होगा आपने, ICWA वो लोग करते हैं, तो वो महीने का 50-60 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं, तो आप मान लो एक परचून की दुकान वाला कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ से रखेगा, बहुत एक्सपेंसिव सैलरी होती है इनकी, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन नॉट। तो कहता है कि इट्स मेंटेन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्विट एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव तो है बिकॉज ऑफ हाई सैलरी देना पड़ता है हमें, ठीक है। एक्सपर्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टाफ को देना पड़ता रखना पड़ता है हमें, इट नॉट बी पोजिशन टू अफोर्ड, जिसके पास अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए दिक्कत वाली बात है, तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये एक्सपेंसिव है। अगला कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग इज लग्जरी, गलत बात ये, कॉस्ट अकाउंटिंग लग्जरी थोड़ी है, सोबाजी थोड़ी कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करके, हम कॉम्पिटिशन से लड़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करवा के, हम अपने प्रोडक्ट को कम कर रहे हैं। तो कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी नॉट ट्रीटेड एज लग्जरी, इसे लग्जरी नहीं माना जा सकता, इट्स मेंटेन एडिशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वुड बी देयर फॉर द कंप्लीशन। तो सिंपल सी बात है, ये अलग से बनाया जाता है जो बिजनेस के लिए जरूरी है, इसे लग्जरी ना कहें तो बेहतर है। चलिए देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही, हाँ जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग चल रही है, कहीं ऐसा ना होना कि मैं इतनी मेहनत करूँ रिकॉर्ड ना हो। अब कहते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है मैं सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसमें से आने की संभावना है क्वेश्चन। What do you mean by the cost center or cost unit? Cost center और cost unit क्या होता है? जैसे cost center क्या होता है? पूरे organization की costing निकालती है, पूरे organization का। जैसे suppose करिए आपका एक organization है, जैसे कि मैं बात करता हूँ ये पूरी एक factory है ना? इस पूरे factory का अगर मैं cost निकालता हूँ तो ये cost center है। और इस फैक्ट्री में से एक यूनिट मैंने बनाया, एक यूनिट का अगर मैं कॉस्ट निकालूंगा तो यूनिट का अगर मैं कॉस्ट निकालता हूं तो यूनिट का कॉस्ट, भाई ये मेरे पास तो माउस से ही कर रहा हूँ, साफ साफ लिखनी ना तो बस समझ जाइए आप, ठीक है ना, क्योंकि इतना हाईली इक्विपमेंट तो है नहीं कि जो मैं आपको अच्छे से एकदम से कर पाऊँ, लैपटॉप पे इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है ये, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप समझ जाइएगा बस, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर क्या कहता है? पूरे पूरे फैक्ट्री का और यूनिट एक का, तो वही कहता है, देखिए क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द कनेक्शन विद द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब जब कभी भी आप कॉस्टिंग करोगे तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कॉस्ट सेंटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट्सेल्फ डिफाइंड एज द, कुछ कहते हैं देखिए
ICMA लोके आपका जो आपका CMA भी है, CIMA भी जिसे बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, उनका है। अलोकेशन देखो, जैसे कि फैक्ट्री है, पर्सन जो वहां काम कर रहे हैं, आइटम इक्विपमेंट, ग्रुप्स ऑफ दीज सभी को, विच कॉस्ट मे बी असर्टेन एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, इन सभी का कॉस्टिंग निकाला जाता है। ये देखिए, ये मैंने बताया था ना, इन सभी का कॉस्टिंग निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? ताकि हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए कि कहाँ पे ज्यादा खर्चा लग रहा है। कॉस्ट यूनिट क्या है जनाब? कॉस्ट यूनिट है कि अ यूनिट क्वांटिटी प्रोड्यूस सर्विस टाइम और इन रिलेशन टू विच कॉस्ट मे बी असर्टेन एक्सपेंस। कॉस्ट यूनिट एक यूनिट पे कितना खर्चा आया है वो बताना है। आगे क्या कहता है? कॉस्ट यूनिट को असर्टेन द की एक्टिविटी ऑफ कॉस्ट सो बिकॉज ऑफ नेसेसरी। तो सिंपल सी बात है, देखो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट यूनिट का मतलब है कि कॉस्ट यूनिट वो होता है जिसके अंदर के हम एक यूनिट की कॉस्ट निकालते। इसके अंदर एक क्वेश्चन, ये हाईली इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है कोई मेजरमेंट का, हालांकि मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है और इसके अंदर ये मेजरमेंट आप पढ़िएगा जरूर, कई बार 4-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सर क्या पूछ लेते हैं? जैसे रेडियो टीवी को किस में नापोगे, कार को किस में नापोगे, ब्रिक्स कैसे होता है, पर 1000 1000 की ईंटें आएगी, आप बोलोगे ना 4 ईंटें दे दो तो नहीं मिलता, हालांकि आपके आसपास मिल जाता होगा लेकिन 1000 में काउंटिंग होता है। हॉस्पिटल में क्या कर क्या कैसे काउंटिंग है, पर बेड पेशेंट्स के हिसाब से। ट्रांसपोर्टेशन में पर टन किलोमीटर किया था ना अपन ने, सर्विस कॉस्ट उसमें। अब इसके बाद क्या है आपका, अलग अलग है आपका सीमेंट है पर बैग के हिसाब से। तो ये एक बार आप ना पढ़ लीजिएगा कि इन चीजों को कैसे, जैसे कि आपका मान लेते हैं कि सपोज मिल्क दूध किस में करते हो, लीटर में होता है, और ऑयल की बात करें तो ऑयल किस में होता है, बैरलर में होता है, कुछ चीजें लीटर में होता है, कुछ चीजें आपका बैरल में भी होता है, ठीक है ना। तो वो चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार फटाफट से हमने 3 क्वेश्चन देख लिया, तीनों क्वेश्चन को रिवाइज किया जाए। पहला क्या है, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है कि ये हमें डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता, और डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को हम अच्छे से समझ नहीं पाते, जैसे कि डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर, जैसे कि आपका वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, ये सारी बातें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता, ये लिमिटेशन। दूसरा क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग लग्जरी है? तो जी नहीं, लग्जरी नहीं है, नेसेसरी है, करना चाहिए, तो हमने एक वो देखा। अगला क्वेश्चन था हमारा कॉस्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर, तो पूरे डिपार्टमेंट के कॉस्ट को कॉस्ट यूनिट कॉस्ट आपका जो पूरे डिपार्टमेंट का है उसको हम क्या कहते हैं, पूरे डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर कहते हैं, और कॉस्ट यूनिट का मतलब पूरे एक यूनिट का कॉस्टिंग इस तरीके से निकाला जाएगा। तो ठीक है जी सर, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, बाकी आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए अपने हिसाब से, तो मैं जैसे जैसे होगा मैं चैप्टर वाइज फटाफट से डाल दूंगा अलग अलग पार्ट में। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जी, कौन सा क्वेश्चन है, ये था हमारा क्वेश्चन, कहाँ गया कहाँ गया, ओ माय गॉड, कहता है कॉस्ट मे बी क्लासिफाइड इनटू द वैरायटी ऑफ वे अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। क्लासिफाई करिए, एक्सप्लेन द डिस्कस स्टेटमेंट गिवन। तो कुछ क्लासिफिकेशन करिए, कॉस्ट कितने तरीके के होते हैं, इसमें मेन मेन चीजें पढ़ूंगा। जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट, पहले सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं सर? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिसको देख के पता लगाया जाए। अब सिंपल सा एक एग्जाम्पल लूंगा, देखो डायरेक्ट भी पता चल जाएगा इनडायरेक्ट। आप सब मैकडी में जाते हो, बर्गर खाते हैं, जो बर्गर खाते हो आप मैकडी के अंदर, इसके अंदर मान लो आपको 300 रुपए का बर्गर दिया, भाई आप सब तो चले गए और खा भी लिया आपने और अच्छे से आपने एंजॉय भी किया, लेकिन आप में से सभी दोस्त बैठ के वहां पे, कई बार ऐसी चर्चा होती है, हम सब बैठते हैं तब भी होती है कि यार ये 300 रुपए का लायक नहीं है, इसके अंदर ना देखा जाए तो सामान बड़ा कम लगा हुआ है, यार कितने का, बंद 10 रुपए का होगा, आलू कितने का होगा, 5 रुपए का होगा, हद मार के 50 रुपए का होगा। तो आप जो कॉस्टिंग करते हैं वो कॉस्टिंग, आप सिर्फ जो चीज खा रहे हैं उसको देख रहे हैं तो वो कॉस्टिंग है डायरेक्ट कॉस्टिंग। लेकिन व्हाट अबाउट जो आपको सैलरी जो आपको सर्व कर रहा है, व्हाट अबाउट जहां एसी में बैठे हो, व्हाट अबाउट जो गार्ड है, इन सभी को तो नहीं देख रहे ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखते ही। और सेम इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल वेजेस, आपका कारपेंटर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट जिसको नहीं कर सकते, दीज आर जस्ट अ
अपोजिट ऑफ द डायरेक्ट कॉज, इट मीन द स्कॉट कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाइड। तो सिंपल सी बात है, तो समझ में आया होगा आपको डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में बर्गर जो है उसको आपने डायरेक्ट कॉस्ट में करा, और जो बाहर गार्ड खड़ा था गार्ड की सैलरी तो आपने जोड़ी नहीं, वो किस कॉस्ट का पार्ट हो गया? इनडायरेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, जनरली कॉस्ट एलिमेंट कितने में होता है? मटीरियल, लेबर और एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं सर। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, ये हमने पढ़ लिया है और इसको आप पढ़ेंगे, और हम जिस जिस पे मैं पॉइंट्स लगाता जा रहा हूँ वो। अब आ जाते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होता है? वो कॉस्ट जो कि जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाएंगे ना, जैसे एक सपोज करो एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, आपका एक यूनिट बनाने में 5 रुपए का खर्चा आ रहा था, एक यूनिट बनाने में 5 रुपए का खर्चा है, ये यूनिट है और ये खर्चा है एक्सपेंस है। तो बताइए 5 यूनिट बनाएंगे तो कितने का खर्चा आएगा? तो बहुत सिंपल सी सर बात है, 5 यूनिट बनाएंगे तो 5 रुपए के हिसाब से हमारा खर्चा जो आएगा वो आएगा कितने रुपए, मल्टीप्लाई कर देते हैं वो आ जाएगा हमारा 25 रुपीज। तो देखो भाई जल्दी जल्दी तो कर नहीं सकता मैं, क्या करें, तो 25 रुपीज, ठीक है ना, 25 रुपए का खर्चा आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जितने यूनिट बनाओगे उतना खर्चा होगा। अब इसके बाद जैसे एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, जितना मटेरियल यूज करोगे उतना ही खर्चा होगा जी, है ना, जैसे कि जो भी मटेरियल यूज करोगे। डायरेक्ट लेबर हो सकता है, लेबर तो सर फिक्स होता है इसमें, ऐसे कैसे लिख दिया इन्होंने, अरे कई लोग में पीस वाले भी होते हैं, 10 पीस बनाओगे तो 10 पीस के लगेंगे एक पीस के हिसाब से, ठीक है। पावर होता है, बिजली का बिल जितना यूज करोगे उतना, तो ये है हमारा, ये इसका ग्राफ बना रखा है, आप ग्राफ प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा, ड्रॉ करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे देखिए इस साइड में क्या है कॉस्ट और इस साइड में क्या है यूनिट, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वैसे 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 कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे जी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड पीरियड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एक, ये इसके अंदर दो पार्ट आगे चलो, कंट्रोलेबल कॉस्ट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब हम आगे डिफरेंस पढ़ेंगे ना तब देख लेंगे, इसके अंदर अभी पढ़ना है ये बाद में, चलो अभी पढ़ लेते हैं, आगे फिर हम इसको बोल देंगे हमने कर लिया। कंट्रोलेबल कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसको के मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, उसके बस की बात है, उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट देखो जैसे कि कहता है कि अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी सम कॉस्ट कंट्रोलेबल वेयर आज अदर नोन, मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो कि आपके मतलब के कहते हैं ना आपके पावर में नहीं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मटेरियल, मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हो ना, ज्यादा खर्च करना है कम खर्च करना है, लेकिन रेंट, रेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो एक फैक्ट्री ले रखी है, उसकी रेंट जाना है, आप उसको थोड़ी ना कम कर दोगे। तो ऐसा खर्चा जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाता है, ऐसा खर्चा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाता है। यानी यहाँ पे जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो ना, उसके लिए वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन, यानी जिसको आप एक्शन लेके यानी अपने कुछ स्टेप्स लेके आप उसको सही कर सकते हो। जैसे क्या कहता है, आर दीज विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब कुछ जो भी हम अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ सर यहाँ पे, अंडरटेकिंग मतलब जो आप वर्क कर रहे हो काम कर रहे हो, दैट इज से कॉस्ट विच आर लेट आपका या तो लीस्ट या पार्टली विच कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट के हाथ में होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिवाइडेड इन टू द नंबर ऑफ किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई उससे पूछेंगे तूने ऐसी गलती क्यों करी और इसे हम कंट्रोल करवाएंगे। चलिए सर अनकंट्रोलेबल क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, विच कैन नॉट बी बाय इन्फ्लुएंस, जो कि इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता किसके, बाय एक्शन यानी आपसे नहीं हो सकता। सर कुछ एग्जाम्पल देखिएगा समझ में आ जाएगा, जैसे रेंट, रेंट आपका फैक्ट्री काम कर रहा है नहीं कर रहा, रेंट को नहीं कंट्रोल कर सकते, रेंट फिक्स है भाई। तो ज्यादातर जो फिक्स एक्सपेंस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ फिक्स एक्सपेंस जितने भी है वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। तो इसको आप बना बना के भी लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, एक बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, और जो बच्चा हिंदी में देना चाहता है वो भी दे सकता है। चलिए सर ये भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मेरा मेन मोटिव है कि आपको जो थ्योरी है ना वो आपको जब बताया जाए तो वो थ्योरी आपके ना दिमाग में आ जाए, ठीक है। फटाफट से एक बार ऊपर से रिवाइज करते हुए आते हैं जल्दी जल्दी, मेरी कोशिश है कि पूरा का पूरा आपको याद हो जाए, टाइम कम लेंगे, आ जाओ भाई बड़ी दूर चले गए हम तो। चलिए पहली बात सर, लिमिटेशन क्या है,
लिमिटेशन के अंदर, फिर से अगेन मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग की लिमिटेशन सबसे बड़ी यही है कि वो चीजों को अच्छे से क्लासिफाई नहीं करता, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर या वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको अच्छे से नहीं करता, वो सीधा लिख देता है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है सर। ये 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर कुछ लॉसेस भी दिखा देते हैं जो दिखाने वाले नहीं है फाइनेंस के अंदर, जैसे एबनॉर्मल लॉस वगैरह एंड एक्सेट्रा। ठीक है सर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, ये आपका क्या कॉस्ट अकाउंटिंग अननेसेसरी है? तो कुछ लोगों का मानना है कि अननेसेसरी है, वैसे अननेसेसरी नहीं कह सकते, एक्सपेंसिव है, जी हाँ एक्सपेंसिव है, लग्जरी है, नहीं लग्जरी नहीं है, इसको हमें करवाना पड़ता है ताकि हमारी कॉस्टिंग अच्छी रहे। कॉस्ट सेंटर क्या होता है सर? पूरे डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर होता है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है सर? कॉस्ट यूनिट होता है एक यूनिट का, इसको मेजरमेंट करने का तरीका। इसके बाद आगे चलते जाएंगे, इसके बाद हमने क्या देखा था, डायरेक्ट कॉस्ट कौन से होते हैं, बर्गर का एग्जांपल लिया जो डायरेक्टली देख के आप बता सकते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन से होते हैं जिसको आप देख के नहीं बता सकते, क्विकली हम समझते जा रहे हैं। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट जो कि यूनिट बढ़ने के साथ साथ चेंज हो जाता है, फिक्स कॉस्ट वो जो कि चेंज नहीं होता, ठीक है सर, ठीक है। कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसे कंट्रोल किया जा सकता है बाय मैनेजमेंट, अनकंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल जिसे मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे कि फिक्स एक्सपेंस। चलिए सर यहाँ तक हो गया, अब इसके अंदर फॉर द कुछ आपके मीनिंग है उसको देखते हैं। पहला संग कॉस्ट, नाम बड़ा अजीब सा है संग कॉस्ट। आप संग कॉस्ट ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए, संग कॉस्ट का एग्जांपल दूं कि जब कभी आप बिजनेस के पैसे लगाएंगे तो वो समझ लो आपके पैसे वापसी नहीं आएंगे, एक तरीके से डूब गए, तो ये ना सिंक संक संक वहां से बना है डूबना। जैसे मान लेते हैं हमने दीवार पे, हम नई नई शोरूम खोल रहे हैं, नए नए शोरूम खोल रहे हैं और हमने रेंट पे लिया है, तो हमने क्या करा, दीवार पे पेंट करवाया, उस पेंट के अंदर हमारा खर्चा हुआ है, हुआ है नहीं हुआ? सर बोलोगे हाँ पेंट में सर खर्चा हुआ। अब बिजनेस चलानी, चलो भाई बिजनेस बंद करो चलो, तो बाकी जो दुकान का सामान है वो आप बेच पाओगे, जैसे कि आपने काउंटर बेच दिया या फिर और भी बहुत सारी चीजें, स्टॉक रॉ मटेरियल किसी को बेच दिया, लेकिन पेंट कैसे बेचोगे, वो तो पेंट तो दीवार पे हो गया, उसमें खर्चा तो लगा। और अगर मान लो आप दुकान बंद भी नहीं करते तो क्या पेंट वाला को आप बेच सकते हो क्या उस खर्चे को? तो नहीं, तो वो पैसे आपके फिक्स हो गए, डूब गए। तो ऐसा खर्चा जिसे हम एक बार लगाते हैं और उसको हम कभी रिकवर ही नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि पेंट करवाया तो वो पेंट में हमारा खर्चा हुआ, सो हो ही गया। कहता है दीज कॉस्ट विच इनकर्ड, क्या कहता है, देखिए ध्यान से, दीज कॉस्ट विच इनकर्ड इन पास्ट, पुराने टाइम में करा जाता था, देयरफॉर संक कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, उसे रिकवर नहीं किया जाता, दीज आर नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग भी नहीं। संक कॉस्ट हो गया तो ऐसा नहीं बोलोगे कि सर ये खर्चा हो गया इससे भी कुछ होगा। बिजनेस परचेज, लैंड, बिल्डिंग, ये सब संक कॉस्ट का पार्ट है। जैसे कि बिजनेस परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा आपने, मान लेते हैं तो आप मन में तो बोलते हो, जहां घर में रहते हो 1 करोड़ का मकान ले लिया, बोलते तो ना कि 1 करोड़ का मकान है, क्या उसे बेच दोगे? आप रोड पे तो थोड़ी ना आ जाओगे। तो जो मकान वकान लेते हैं ना, वो संक कॉस्ट का पार्ट होता है, वो कभी वापसी नहीं मिलता। हाँ मजबूरी में बेच दोगे उसकी अलग बात है। कहता है द कॉस्ट इज संक कॉस्ट, संक कॉस्ट है बिकॉज ऑफ विच इनकर्ड एट द पास्ट एंड इट विल नॉट बी कंसिडर Whenever decision is to be taken, इसका decision पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता new land वगैरह लेने पे। ठीक है सर, sunk cost important है। आगे चलते हैं सर, और कुछ important है क्या? और कुछ opportunity cost। opportunity cost क्या होता है? Simple economics में आपने पढ़ा होगा, opportunity cost वो cost होता है जिसके कि एक cost के बदले दूसरा हमारा कोई ना कोई opportunity होता है। जैसे सर समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ, समझो opportunity cost, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको, जैसे अभी मैं फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करूं तो DU के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो क्लासेस ले नहीं रहे थे, तो मुझे लगा मेरे को YouTube पे चैनल बनाना चाहिए, YouTube पे चैनल बनाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे देखेंगे। वो अलग बात है कि डेली के 60-70 हज़ार बच्चे देखते हैं मेरे चैनल पे, लेकिन हाँ सब्सक्राइब नहीं करते, कोई बात नहीं, अपने अपने मैटर है उसका बात नहीं करते। देखो मेरा तो काम है एक बच्चा पढ़ ले तो वही बहुत है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, मुझे अभी अपॉर्चुनिटी लगा तो इसे बोला जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पढ़ते हैं एक बार, दिस इज कॉस्ट एंड ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव है, पहले मैं 12th को पढ़ाता था, मुझे अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन में लगा तो मैं ग्रेजुएशन में आ गया। दिस मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एडवांटेज, ये एडवांटेज है, फॉरगॉन टू द रिजल्ट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक फॉर रियलिटी एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अरविंद मिल को जानते हो कि अरविंद मिल है ना, रिलायंस की एक यूनिट है। तो अरविंद मिल का हुआ क्या, ऐसे इनका कपड़े का व्यापार है बंद हो गया, तो बिल्कुल एकदम बंद हो गया, एकदम लॉकडाउन लगा, मास्क की डिमांड बढ़ गई। जब मास्क की डिमांड बढ़ी तो कपड़े की डिमांड बढ़ गई, कपड़े की डिमांड बढ़ी तो अरविंद मिल का चल पड़ा। जो कंपनी बंद होने वाला था लॉस में, उसने क्या करा, फटाफट से अपना मास्क बनाना चालू कर दिया। तो ये क्या दिखा उसे, अपॉर्चुनिटी, तो इसे बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आई बात आपको?
बाकी आप पढ़िएगा यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं देखो मेन मेन कर्क्स बताता जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट डिपॉजिट बैंक कन्वर्ट इन टू द डिबेंचर। जैसे कि मान लो आपने एफडी करवाया, एफडी पे 10% मिल रहा है, डिबेंचर में आपको 15 मिल रहा है, तो आपने अपॉर्चुनिटी देखा और वहां पे आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है? मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एडिशनल कॉस्ट। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसे, वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। चलिए 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आपके वेरियस मेथड्स इसके अंदर है, तो मेथड्स में सबसे पहला आता है जॉब कॉस्टिंग। तो समझिएगा जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। मैं जब मैं सीए इंटरमीडिएट में था, तो फिर उस टाइम पे आर्टिकल होती है, ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग पे मैं जाया करता था। तो हरिद्वार में ना एक एटलस की कंपनी है, एटलस साइकिल बनाती है। तो मेरे को तो यही पता था और आपको भी शायद यही पता हो कि एटलस कंपनी क्या बनाती है, साइकिल बनाती है। तो मैं सोच रहा साइकिल बनाती है चलते हैं। लेकिन जब मैं उस कंपनी में ऑडिट पे गया, तो ऑडिट पे जाने के बाद पता चला कि यार ये कंपनी तो दवाई भी बना रही है। उसका नाम था एटलस फार्मास्यूटिकल। मैं बड़ा परेशान हुआ यार, साइकिल बनाने वाली कंपनी दवाई कब से बनाने लग गई। और ऐसे ही गया एटलस के एक यूनिट में, तो एटलस ट्यूब के नाम से था। मैंने पूछा एटलस वालों से, उनसे जाके, क्योंकि हम डिटेल में तो पूछ ही सकते हैं। मैंने पूछा भाई साहब ये तो दवाई बना रहे हो कैसे, आपकी दवाई बिकती है? मैंने तो नहीं देखा कोई एटलस की दवाई खा के ठीक हो रहा है, कोई बुखार उखार की तो दवाई देखी नहीं मैंने आपकी। तो उसने बोला सर ऐसा होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे सिप्ला हो गया, रेनबैक्सी हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी दवाई की है, तो इनके पास इतनी डिमांड है ना कि ये पूरी नहीं कर सकते। और एक नई यूनिट बनाने के लिए, जैसे मान लो कि 100 यूनिट एक 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 डिपार्टमेंट में बन रहा है, डिमांड आ गई इनके पास 120 यूनिट, तो 20 यूनिट के लिए एक नई फैक्ट्री थोड़ी ना लगाएंगे। 100 यूनिट के लिए चल रहा है, या तो 100 यूनिट और आ जाए तो एक फैक्ट्री लगाए। तो ये 20 यूनिट क्या करते हैं, किसी छोटी मोटी कंपनी से बनवा लेते हैं। तो ये कह रहे थे कि उसको दे देते हैं छोटी कंपनी को, जैसे एटलस हमें सिप्ला वाली दवाई दे देते हैं, फॉर्मूला दे देते हैं, मटेरियल दे देते हैं, सब कुछ वही देते हैं। हम उसको अपनी मशीनरी यूज करके उसको तैयार करके दे देते हैं, बदले में हम पर हिसाब कॉस्टिंग लेते हैं। तो उससे पता है क्या बोला जाता है, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब, जॉब कॉस्टिंग का मतलब सर होता है कि हमारा सब कुछ बस आप क्या करेंगे उसको बना के दे दीजिए, ठीक है ना। जैसे आप जिस पे फोन पे देख रहे हो, फोन भी जॉब कॉस्टिंग में। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लेते हैं आपका फोन के अंदर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का है। अगर मान लेते हैं आपका फोन ओप्पो रियलमी है, अगर ये खुद का प्रोसेसर बनाती तो बढ़िया नहीं होता। इन्होंने बनाने की कोशिश करी, बहुत महंगा पड़ा, तो इसने क्या बोला भाई तू दूसरा कमा लेते हो, तो ये जॉब कॉस्टिंग करवा लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को किसी और से बनवा लेना, जॉब कॉस्टिंग कहा जाता है। पढ़ लेते हैं एक बार सर। जॉब कॉस्टिंग इज यूज इन द टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के तरीके से यूज होता है, वेयर वर्क डन अगेंस्ट ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर के थ्रू इंस्ट्रक्शन होता है टू असर्टेन कॉस्ट। सर समझ में नहीं आ रहा, देखो फिर से समझते हैं। जॉब कॉस्टिंग इज यूज इन द टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, वेयर वर्क इज डन अगेंस्ट ऑर्डर, ऑर्डर मिलता है तभी होता है, एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कस्टमर, जब कस्टमर से एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो जैसे सिप्ला कंपनी एटलस को दे रही थी, टू असर्टेन द कॉस्ट ईच जॉब, ईच जॉब मतलब ये क्या होता है, हर जॉब होता है कि एक बार कितने बैच गए, एक बार में कितना करा उसने। सेपरेट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर फॉर ईच जॉब असर्टेन टू द कॉस्ट, और इसके लिए अलग अलग अकाउंट बनता है। जैसे जॉब वन, जैसे प्रोसेस बनता था ना अपना, वैसे ही जॉब का होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, फॉर दिस पर्पज ईच जॉब गिवन, आपका वन जॉब नंबर, हर जॉब को नंबर देते हैं। आप कई बार दवाई में देखना या किसी प्रोडक्ट में देखना, जैसे आपका प्रोडक्ट तो आप देखोगे मेडिसिन में बहुत होता है कि ये है, और पीछे देखोगे मैन्युफैक्चर बाय कोई और कंपनी लिखा होता है। तो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो वो जॉब यानी दूसरी कंपनी है, तो इसका मतलब जॉब कॉस्टिंग में गया। तो होपफुली समझ में आया होगा, सिंपल सी मैंने बात बताई। जॉब कॉस्टिंग का मतलब है जब हमारे पास ज्यादा काम आ जाता है तो हम किसी और से करवा लेते हैं, तो उसे जॉब वर्क बोला जाता है, ठीक है सर। आगे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ये कहता है प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डज नॉट डिफर फ्रॉम, डज नॉट इन प्रिंसिपल डिफर फ्रॉम जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जैसा ही मान लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से बिग जॉब, ये बहुत बड़ा बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसके अंदर होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ जनरली इंडस्ट्री अंडरटेकिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, बस भाई। सर बैच कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग हो गया बैच कॉस्टिंग। देखो बैच कॉस्टिंग ऐसा होता है, लॉट्स आपने सुना है कि एक बैच में इतने बने, जैसे कि आपका, जैसे हम बोलते हैं कि इस बार एक लॉट आ गया,
दूसरा लॉट आ गया, किस्तें जिस तरीके से बोलते हैं ना, तो ऐसे बैच होता है। जैसे मैंने 10,000 यूनिट का आपको ऑर्डर दिया, आपने 500 यूनिट भेज दिया, एक पांच बोला कि अब जी मैं आपको 500 500 यूनिट करके भेजूंगा बना के। मैंने बोला ठीक है जी, 10,000 यूनिट का 500 500, तो 500 500 यूनिट करके भेज रहे हो तो बैच है वो, तो उसको क्या बोला जाएगा, बैच। यानी आपने एक बैच बना दिया एक यूनिट को भेजने के लिए। तो क्या कहता है, देखिए बड़ा छोटा सा डेफिनेशन है लेकिन बहुत काम का है, जो भी करवा रहा हूँ सारे ही काम के। हेयर ऑर्डर लाइक अ प्रोडक्शन, आपका अरेंज इन आपका किसमें कन्वीनियंट, आपके हिसाब से जो कन्वीनियंट है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। बैचेस, ईच बैचेस इज ट्रीटेड इज वन जॉब के हिसाब से, मतलब एक जॉब। एग्जाम्पल, दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग इंडस्ट्री लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे कि बिस्किट्स कंपनी वगैरह करती है, वहां पे भी देखना बैच कोड भी लिखा होता है, इस बैच में बना हुआ है, ठीक है ना। सर प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? जी डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने में अलग अलग प्रोसेस में लेके चलना पड़ता है, उसे बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। जिसने प्रोसेस करा है वो आराम से लिख देगा। सर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग है जो सर्विस कॉस्टिंग बोलते हैं, जिससे सर्विस डिपार्टमेंट। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, सामान बनाना, लेकिन जैसे कि मान लेते हैं डॉक्टर कोई सामान थोड़ी बना रहा है, हॉस्पिटल कोई सामान थोड़ी बना रहा है, होटल कोई सामान थोड़ी बना रहा है, या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कोई, तो इन सभी की जो कॉस्टिंग की जाती है उसको कहाँ रखा जाता है? ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का नाम दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट कंपनी, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, रेलवे कंपनी, शिपिंग कंपनी, ये सारे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये सब सर्विस कॉस्ट में आ जाएंगे। सर आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है? सिंपल सा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको कहूंगा रिकमेंडेशन के पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं, मैं फटाफट से अच्छे से थ्योरी हो जाए आपका, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है नहीं, और चलते हैं हम आगे। मैंने एक एक चैप्टर का नोट्स बना दूंगा। देखिए यहाँ पे आ गया डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो मैंने देखो पहले ऊपर डिस्कस किया था ना, कंट्रोल कौन सा, जो कि एक्शन वाली बात आई थी ना, और अनकंट्रोल जो कि एक्शन से बियॉन्ड हो, जिसपे कोई दिक्कत ना, ठीक है। डिफरेंस ये पढ़ लेंगे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और सर इसमें से तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एक चैप्टर खत्म हो गया, तो मैं चैप्टर वाइज बना देता हूँ, जैसे कि 10 ईयर में दे रखा है। फर्स्ट चैप्टर का आपका खत्म हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो डाल देता हूँ, सो दैट ऐसा भी होगा ना, देखो सिंपल सी बात है, ये कट हो जाएगा, अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो जो बच्चे रात को पढ़ते हैं उनको फायदा मिलेगा, है ना। तो चलिए हम अभी फिर से इसको कट करके डाल देते हैं यूट्यूब पे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, सेकंड चैप्टर, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे उसको भी अलग अलग, ताकि सो दैट बच्चा पढ़ पाए अच्छे से, ठीक है ना। आप बिल्कुल समझ में आए ना आपको ये सारी चीज, जैसे मैंने बताया, थोड़ा अच्छा लगे आपको कि हाँ सर कुछ हेल्प मिली है, कमेंट करके लिखिएगा सर इस से हेल्प मिली है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो डिसलाइक करते हैं, चाहे लाइक करते हैं, चाहे कमेंट करते हैं, सर समझ में नहीं आया, आपने ये नहीं कराया, वहां से पेपर नहीं आया, मेरा ये मानना है ना, अगर आप किसी भी एक का भला हो रहा है ना मेरी वजह से, तो बस फायदे की मंद है। आप लोग कितना भी कमेंट करिए, नेगेटिव बोलिए, कुछ बोलिए, मैंने तो एक चीज सोच लिया है कि भाई मैंने इन सभी चीज को ध्यान नहीं देना, मैंने पढ़ाना है तो पढ़ाते रहना है यूट्यूब के ऊपर और जैसे भी, ठीक है ना। और चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो बस जस्ट अभी रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूंगा, इतना ही मैं अपलोड कर रहा हूँ।